18वीं शताब्दी एक ऐसा दौर था कि अंग्रेजी शासन का सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा था। दुनिया के कई देश अंग्रेजी शासन के गुलाम थे। उसी वक्त उपनिवेशवाद का बिगुल बजा। तब खेत खलिहान और कल कारखानों में काम करने के लिए अधिक से अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ी। खास करके कई अफ्रीकन और कैरेबियन देशों में गन्ना की खेती और चीनी के मिलों में काम करने के लिए। अब इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेज हर नीति अपनाने लगे। संजोग से उसी समय भारत अकाल, गरीबी और महामारी के दौर से गुजर रहा था। खासकर गरीब मजदूर और किसानों के हालात बहुत खराब थे और ये दौर था सन 1834 ईस्वी का। जान बूझ के माहूर पी लेला ना तका कर। ए भगवान, इतना दिन से इनारे में कुकुर मर के पड़ा लहल है, सकरो पानी जहर हो गई लहल है। अरे ता बूझ के जहर पी लेला ना तका करी, भुक्कल पियासल जान दे दे, मरे के तो वही सहू रहल। ऐसन काहे कैला, अरे हम गइल त रहली पानी लेवे, तनी तो सबर के ले ले होता। कहा सबर करी, ई अंग्रेजवन की अत्याचार, ऊपर से ही बड़कवा लोगन के दुत्कार, ऊपर से ही भगवान के मार। या काल भुखमरी में क्यों नहीं बची, क्यों नहीं बची? का भैलो, का भैल मुनिया बाबू, ए सुखिया बोला का भैल जिया रंग का जनी कई सब हो पड़े। का भैलो का जाए भगवान, का भैल सोके बोला ने का दा मरे गई ना लो आमरी गई। क्यों नहीं बची, क्यों नहीं बची? अरे अरे ना, अरे अरे क्यों नहीं ना? नहीं, नहीं, नहीं। का भेल रे? नगेश्वर भाई गुजर गए ना। अरे हाथी के खजुआवल और तू जैसन जाहिलन के समझावल, ई दोनों बराबर है। अरे समझावत समझावत गटई फाट गई कि साइमन साहब कब से तैयार बाटे बाहर भेजे के। ऐसन मुलुक जहाँ के धरती सोना उगले ले सोना। क्रोजिन करा, ई बतावा हमनी के हाल तो से छुपल बका। अरे यही लिए तो समझावत बानी कि अभिन भी समय बा, समझ जा। हम साइबन साहब के मनाई ले और वह जौन हो का होला हो 5 साल के और लिखाला गिरगिटमेंट नहीं गिरमेंटवा, फिर सोना चांदी धन दौलत लाद के वापस लौट के आवे के बा। कहा भैया, कहा कहा था सब लोग? हाँ तैयार बनी जा, तैयार बनी जा। तो देखा वादा खिलाफ ही ना होके के चाहिए। नहीं 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 हो, नहीं तो ठीक बा,
जात है तजा। तू लोग इनकर दाह संस्कार करा, हम जात हैं साइमन साहब से मिले। और इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए दलाल गरीब लोगों को झूठे सपने दिखाकर भरमाना शुरू किया। सलाम हुजूर, तुमको एक छोटा सा कान दिया था और तुम वो भी नहीं कर सका। सब होई गवाह है हुजूर, सब होई गवाह है। तुमने सबको कन्वेंस साइमन तैयार कर लिया है? सबको तैयार कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। खुपे जी, हम तुमको माला माल कर देगा। जी बस तुम हमारा उनसे मीटिंग फिक्स कराओ। अरे कल सबका मीटिंग फिक्स कर दिया है साहब। यस, तो ठीक है, कल मीटिंग के बाद हम तुम्हारा इनाम तुमको दे देगा। जी हुजूर। तुम जा सकता है खुपे जी। अच्छा, तुम्हारा गरीबी उधर दूर हो जाएगा और तुम उधर खूब ढेर सारा पैसा कमाएगा। हमें जाना चाहते कि वापस कब लौटा जाए। व्हाट, ये क्या पूछता है? अरे वापसी हुजूर, वापसी मतलब रिटर्न, रिटर्न। तुम्हारा जब जी करेगा तुम वापस आ सकते हो। इतना ही नहीं, बहुत पैसे के साथ। बट हाँ, इसके लिए तुम्हें पहले एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अरे वह एग्रीमेंट हुआ जो लिखाए 5 साल खाती। अंग्रेज एक सादे कागज पर 5 सालों के लिए एग्रीमेंट करवाने लगे। अब लोगों को एग्रीमेंट शब्द कहना ना आया तो लोग गिरमिट, फिर गिरमिटिया कहने लगे। अब सब लोग चलने की तैयारी करेगा। ठीक है सरकार, ओके, ऑल द बेस्ट। इतना समय लागत तैयार हो गया, लागत जैसे दुल्हन के विदाई होके वाला बा। भीतरा से ऐसा लागत है जैसे कपूर लौट के नहीं आए। हे जी उन्हें के मना कर दे। हम परदेश नहीं जाए। हमके बहुत डर लगा था। मना कर दे। अरे अधिक से अधिक का होए। वही मर कब जाइल जाए और का होए। अरे यहूं तो रोज रोज हमने के मरे ही जाए के लोग बेहतर भविष्य के लिए जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अपना घर, परिवार और गांव छोड़ना बहुत आसान नहीं था। आंखों में आंसू लिए लोग पलायन को मजबूर हुए। छुटल आपन देशवा भैली पर देसी, अब त छुटल आपन देशवा भैली पर देसी, अब त कैसन कैसन दिन ई दिखाई रे जिनगिया। कैसन कैसन दिन दिखाई रे जिनगिया। छूटल आपन देशवा भैली पर देसी, अब त छूटल आपन देशवा भैली पर देसी, अब त कैसन कैसन दिन ई दिखाई रे जिनगिया। ओ कैसन कैसन दिन ई दिखाई
रे जिनगिया। गिरमिटिया यात्रा का पहला पड़ाव था कलकत्ता, जहां पहुंचने के बाद गिरमिटिया लोगों को खाली गोदाम में जानवरों की तरह ठूस दिया जाता था, जहां लोगों को यह शक हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। डर लागे भीतरा से देखी फिरंगी के हो, डर लागे भीतरा से देखी फिरंगी के, जाने कौन ठहरे ले जाई रे फिरंगी। खूब बड़ा नाम सुन ले रहे, आज देख भी लेनी जा। अरे ऐसे बढ़िया तो अपन गांव रहा। अरे तो कौनो गोदाम हव हो लोगन, लाके जनावरन के लेखन ठूस देहलास। ये फिरंगियन के कौनो भरोसा नहीं है, ये कुछ कर सके ने सब। और यहां से शुरू हुआ सन 1934 ईस्वी में गिरमिटिया का इतिहास। लोग कलकत्ता से पानी के जहाज में सवार होकर मॉरिशस, सुरीनाम, गुयाना, फिजी सहित अन्य देशों में कठिन समुद्री यात्रा शुरू किए। अब के बोली हम से माई के जुबानिया हो, बोली हम से माई के जुबनिया हो, के कही हमारा सिखाल राजा बेटा, के कही हमारा सिखाल राजा बेटा। अब बहन तो यही हाल बा, पता नहीं अब आगे कौन कौन सा जुर्म छलक पड़ी। ए बाबू देखा तो तबीयत तो आता है बिगड़ल जात बा, का ये विधाता अब ही कौन कौन भोग भोगई बा ये विधाता। कहो लोगन तबीयत तो आता है बिगड़ल जात बा, ए बाबू लगता बचिया नाई। अरे ऐसा ना कहा था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बीमार है और इसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि इसके इन्फेक्शन से और बीमारी फैल सकता है। एक काम करो, तुम इसको उठाकर समंदर में फेंक दो। समुंदर में फेंक जाएगा। फेंको। अरे अरे रहम करिए सरकार, ए सरकार रहम करियो, ए सरकार, अरे सरकार, अरे जाए दिए सरकार, अरे हमार काका, लगा तो हमन के पहुंच गईली। हाँ रे, बाकिर बड़ा निर्जन जगह बुझाता रे, यहाँ तो कोनो मानो सेना दिखाई देत बाटा। हे तुम लोगों का ठिकाना आ गया, चलो उतरो, चलो उतरो, उतरो।
इस तरह एक कठिन यात्रा पूरा करने के बाद लोग मॉरिशस सहित अन्य देश पहुंचे और शुरू हुआ अंग्रेजों का अत्याचार। क्या करता है हे? क्या करता है? ठीक से काम करो वरना हम तुम्हारा चमड़ी उधेड़ देगा। हे उठ में। अरे सल्का, अरे सल्का, अरे नहीं सल्का। क्या करता है? देश काम कर। अरे अरे सरकार, अरे सरकार, काम काम करते रहो सब लोग। तुम क्या कर रहे हैं? काम कर। तुम सब की चमड़ी उठा लूँगा। है हम जितना बोलता है उतना तुमको उतना काम करना चाहिए। तुमको समझी या बैठ के दाना तोड़ने नहीं आया है? तुम सब की चमड़ी उठा लूँगा। चलो चलो। ए भाई लोगन, अब तो नहीं लगत बा हमके कि हम लोग अपना देश लौट पावल जाई। अब जब राम जी के यह मर्जी बा तो यह धरती, यह धरा के धरती और आकाश के अपन मान करके जीवन गुजर बसर कई जाए। पर हमनी के हमरा के बोली भाषा, तीज त्योहार, रीत रिवाज क्यों कब्बो नहीं छीन सकेला, कब्बो नहीं छीन सकेला काका। ओ कब्बो छीन पाई केहू हमरा से? अरे वो तो हमरा के हमनी के रग रग में बसल बारे। हमार वतन, हमार भारत ओकरा के हम कैसे भुला सकीला रे। आगे चलकर गिरमिटिया मजदूर और उनके वंशजों ने इन तमाम छोटे छोटे देशों को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराकर आजाद कराया। आज ये सभी देश संपूर्ण रूप से विकसित है और भारतीय पूर्वजों की आज की पीढ़ी एक सफल जीवन जी रही है। आज भी वहाँ के लोग भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन बहुत भव्य तरीके से करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं संघर्ष और कठिनाइयों से शुरू हुई गिरमिटिया इतिहास सफलता तक पहुँची। छूटल आपन देशवा भैनी पार देसी अब ता, छूटल आपन देशवा भैनी पार देसी अब ता, कैसन कैसन दिन ई देखाई रे जिनगिया, कैसन कैसन दिन ई देखाई रे जिनगिया। छूटल आपन देशवा भैनी पार देसी अब ता, छूटल आपन देशवा भैनी पार देसी अब ता, कैसन कैसन दिन ई देखाई रे जिनगी।